नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में सबसे पहले नजर डालेंगे उन खबरों पर जिन पर दिन भर रहेगी आज हमारी नजर। साथ ही अब तक की खबरों को विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा प्रदेश की 25 अहम खबरें फटाफट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत उन खबरों से जिन पर दिन भर रहेगी आज हमारी नजर। पहली खबर का रुख करते हैं यौन शोषण के आरोपों पर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो घिरती जा रही है। विधायक देवेंद्र सहरावत के आरोपों पर पंजाब महिला आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। दुर्गेश पाठक और संजय सिंह भी तलब होंगे। पूरी खबर पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर की बात की जाए तो बात है पंजाब परिवर्तन यात्रा की, जिसका आज दूसरा दिन है। जलंधर से दूसरे दिन की शुरुआत होगी। गुरदासपुर के बाद आज जलंधर से शुरू होगा सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा का कारवां। छोटेपुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और यही वजह है कि वो किसी और नेता को आगे नहीं आने दे रहे हैं। तो परिवर्तन यात्रा में और क्या कुछ आज देखने को और सुनने को मिलेगा, ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, अगर अगली खबर की बात की जाए तो वोटिंग से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव हैं आज। 148 बूथों पर 15,300 छात्र जो हैं वो वोटिंग करेंगे। सुबह 9:30 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी और दोपहर 2 बजे मतगणना शुरू होगी। शाम को 6 से 7 बजे के बीच घोषित जो है वो नतीजे भी कर दिए जाएंगे और इसकी सबसे पहले खबर जी पंजाब आप तक पहुंचाएगा। और चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं अब तक की अहम खबरों को। बात करते हैं सुच्चा सिंह छोटेपुर की। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने गुरदासपुर से पंजाब परिवर्तन यात्रा का आगाज कर दिया है। यात्रा के दूसरे दिन आज छोटेपुर जालंधर में समर्थकों के साथ आगे बढ़ेंगे। पंजाब परिवर्तन यात्रा के पहले दिन छोटेपुर के निशाने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक रहे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं। समर्थकों से राय शुमारी के मकसद से सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने पंजाब परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं, इसलिए पंजाब में पार्टी के किसी भी नेता को आगे नहीं आने देते। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के फंड से जुड़े मसलों तक आम आदमी पार्टी पर जमकर आरोपों की बौछार की। छोटेपुर ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से आई आम आदमी पार्टी की टीम को लेकर केजरीवाल को आगाह किया था, लेकिन केजरीवाल ने उनकी एक नहीं सुनी। पंजाब परिवर्तन यात्रा के तहत सूबे का दौरा करने के बाद सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर अगले सियासी कदम का ऐलान करेंगे। गुरदासपुर से राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की यूनिट में सुलह की बगावत की चिंगारी और ज्यादा भड़कती जा रही है। अमृतसर के बाद अब सुनाम में भी आम आदमी पार्टी की यूनिट ने हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यहां पर भी आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी बिखर सी गई है।
एक के बाद एक शहर में पार्टी के कार्यकर्ता हाई कमान के खिलाफ न सिर्फ सुर निकाल रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा रहे हैं। अब सुनाम आम आदमी पार्टी की यूनिट ने भी दिल्ली हाई कमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में सुनाम आपकी इकाई ने पार्टी की ओर से सुनाम के लिए घोषित उम्मीदवार अमन अरोड़ा की खिलाफत की। सुनाम आप यूनिट के मुताबिक अमन अरोड़ा आपराधिक है और उनके लिए पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। संगरूर लोकसभा हलके तो उन्होंने कैंडीडेटा के उन्होंने वर्करा चो कोई बंदा इन्हों सही नहीं मिले जो कि होया था सुनाम हलके के वर्करा सरासर धक्का होया। सुनाम की आप यूनिट के मुताबिक उनके साथ धोखा हुआ। टिकट के लिए फॉर्म तो 25 भरवाए गए लेकिन ऊपर सिर्फ 5 ही भेजे गए। अभी 25 फॉर्म भरवाए गए थे कैंडिडेट्स के, तो उनमें क्या था 25 में से वो खुद बोल रहे कि भाई मेरे तो ऊपर 5 नाम ही भेजे हैं, तो फॉर्म भरवाई क्यों गए जो आपने देखने नहीं, तो फॉर्म भरवाई क्यों गए अगर आपने 5 नाम चूज करके ऊपर देने हैं। सुनाम यूनिट ने दिल्ली से पार्टी की ओर से भेजे गए ऑब्जर्वर्स के खिलाफ सेक्स स्कैंडल जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सोशल मीडिया पे भी चली थी जो विजय चौहान का सेक्स स्कैंडल था, वो उन्होंने पैसे पूसे दे के हल कर लिया था। हम घर में रहते हैं तो कोई काम वाली रख लें, उनके घर में कोई काम वाली थी वो रखी हुई थी उन्होंने, मेले में होते थे तो उनका कुछ सिस्टम, जैसे विजय भी दिल्ली से आए हुए हैं तो इनका सिस्टम क्या था कि उसके घर वाले को बाहर भेज देना कि आप बाहर जाओ, ये लेके आओ वो लेके आओ, और पीछे से कुछ भी दुर्घटना की जाती थी। छोटेपुर प्रकरण के बाद से आम आदमी पार्टी में सुलगी बगावत की चिंगारी लगातार भड़कती जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की झाड़ू लगता है खुल गई है। पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हाई कमान पर उंगली उठा रहे हैं। पुनीत परिजा के साथ जी मीडिया चंडीगढ़। उधर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता गुरिंदर सिंह बाजवा ने पैसों को लेकर पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली से आए पार्टी के अधिकारियों को फंड के लिए अमृतसर यूनिट की तरफ से 22 लाख रुपए दिए गए हैं लेकिन इस रकम का कोई हिसाब नहीं मिला। पंजाब में आम आदमी पार्टी की झाड़ू खुल गई है और पार्टी पर भ्रष्टाचार के दागों का सिलसिला जारी है। अब आम आदमी पार्टी के ही पूर्व नेता गुरिंदर सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी हाईकमान पर फंड को लेकर संगीन आरोप लगाए हैं। गुरिंदर बाजवा के मुताबिक उन्होंने पार्टी फंड के लिए अमृतसर से 22 लाख रुपए दिल्ली से आए पार्टी के पदाधिकारियों को दिए लेकिन जब अमृतसर में रैली होनी थी और उन्होंने जब अमृतसर रैली के लिए पैसों की मांग की तो उन्हें नहीं दिए गए। इन्होंने जो फंड सी ना इन्हों साढ़े 22 लख रुपया दिता उदो इन्होंने सू आख्या ही कि अं पैसे तू जिया रैलिया होनगियां कितने कोई पार्टी बसा ली करनिया होंगे पैसे दवागे पर जो बसा की गल आई जड़िया रैलिया से उन्होंने पैसा की गल इन्होंने सू कोई पैसा नहीं दिता। बाजवा के मुताबिक 22 लाख रुपए का पूरा हिसाब उनके पास है और अब दिल्ली आपकी टीम से उस पैसे को वसूला जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 22.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਰੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀਅਰ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਔਰ ਪੈਸੋ ਕੇ ਖੇਲ ਕੋ ਲੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਆਰੋਪੋ ਸੇ ਪੀਛਾ ਨਹੀਂ ਛੂਟ ਰਹਾ ਹੈ। टिकट आवंटन से लेकर पार्टी फंड तक में पुराने पार्टी के नेता पार्टी हाईकमान पर आरोप लगा रहे हैं। राजन गोसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।